हेलो उन्नाव वालों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से हम आ गए उन्नाव की एक और वीडियो के साथ। तो अभी हमें अरोरा रिजॉर्ट में, जहां पर एक फिल्म का प्रमोशन होने वाला है जिसकी पूरी स्टार कास्ट हॉल में आ चुकी है। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, 11 बजे का टाइम था और अभी बज रहा है 11:30, तो हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो फिल्म का नाम है प्यारा कुल्हड़, जो की 26 मई को रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस फिल्म में दो गाने भी है, वो भी रिलीज हो चुके हैं। एक है पैसा पैसा और दूसरा है प्यारा कुल्हड़। इस फिल्म की हीरोइन है अप्सरा मैम, जो की हॉल में आ चुकी है, और साथ में उनके हीरो मानस। और इस फिल्म में आपको बॉलीवुड के बैड यानी कि गुलशन ग्रोवर भी देखने को मिलने वाले हैं, और शक्तिमान के मुकेश खन्ना भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम सबसे पहले आपको यहाँ के कुछ शॉट्स दिखाएंगे और उसके बाद पूरी स्टार कास्ट से बातचीत होगी। कंटिन्यू इस फिल्म के प्रमोशन चल रहे हैं, मुंबई में प्रमोशन हुए, लखनऊ में हुए, लखनऊ बस सीरे टीम यहाँ उन्नाव आई है। तो अभी हम आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। और उन्नाव वालों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर उन्नाव वालों अभी तक आपने उन्नाव स्ट्री रिव्यू को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया हो तो जरूर कर लें। और अभी तक आपने उन्नाव स्ट्री रिव्यू को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर तो कभी कभी वीडियो आती, लेकिन इंस्टाग्राम पे उन्नाव की डेली की एक्टिविटी आया करती है। और इस फिल्म का प्रमोशन आज उन्नाव में होने वाला है, ये भी हमने शेयर किया था इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ। तो उन्नाव वाले ऐसी वीडियोस के लिए उन्नाव स्ट्री रिव्यू को फॉलो जरूर कर लें। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि अगला वीडियो उन्नाव का कहां का बनाया जाए, हम लोग वहां का वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाने बहुत अच्छे, इसका संगीत बहुत अच्छा, पांचों गाने इतने अच्छे हैं कि यूट्यूब पे बड़े रिलीज हो गए, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है और लैंग्वेज आता है तो काफ़ी आसान होता है। अभी जैसे तेलुगु इंडस्ट्री मुझे लैंग्वेज सीख के करना पड़ता है, पर हिंदी मेरी अच्छी है तो काफ़ी चीज़ें जो है मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद उस चीज़ को फील कर सकती हूँ और काफ़ी इम्प्रोवाइज भी खुद कर सकती हूँ। जैसे गुलशन सर और मैं कोई भी सीन करते थे तो हम पहले सीन में जाने से पहले हम बैठते थे, हम अपनी बातें करते, हम इम्प्रोवाइज करते थे, तो काफ़ी कम्फर्ट जोन से रहता ही है। और मेरी दूसरी हिंदी मूवी है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मूवी इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरे जो फादर है वो एयरफोर्स ऑफिसर थे, अभी रिटायर हो गए, तो मैं एकदम ही कहीं दूसरे जगह से आके अपनी अच्छी हिंदी मूवी कर रही हूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। और 26 को रिलीज है तो बहुत एक्साइटेड, चाहती हूँ कि जल्दी लोगों के सामने जाए। मैं सुना दूँगी, उन्होंने तो बहुत अच्छा गाया, उनके जैसे तो मैं नहीं गा सकती, पर मैं थोड़ा सा दो फिल्म आया तो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, मुझे प्यार हो जाता है। मुझे पता नहीं अभी जिस लड़के से, उस लड़के को मुझसे प्यार हुआ है कि नहीं पता नहीं, पर मैं जाती हूँ अपने कॉलेज में, सबको बोलती हूँ आज समोसा और चाय सबको मेरी तरफ से, क्योंकि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विधान से करूंगी तो मैं डिक्लेयर कर देती हूँ। एक डायलॉग है बड़ा फनी, तो हीरो मुझे भी अच्छा रोल मिला था नहीं था। जोक्स अपार्ट, प्यारा कुल्हड़ एक लव स्टोरी है, सो हीरो हीरोइन के बीच में तो जो केमिस्ट्री है और जो सीन्स है, कॉन्वर्सेशन है, पूरा फिल्म इसी के ऊपर पे लाइक डिपेंडेंट है। तो विधि और विधान एक कॉलेज में अच्छा सा कपल है, सब लोग सोचते हैं कि ये विधान विधान के पीछे क्यों भाग रही है, ये तो कुल्हड़ है। कुल्हड़ का मीनिंग तो आप डायरेक्टर साहब अभी बता दिए, तो जनरली एक स्लैंग रहता है कभी भी कॉलेज में बच्चे या बच्ची या छेड़छाड़ करते हैं तो एक भोले भाले इंसान को, भोले भाले लड़के को जो पढ़ाई करता रहता है और उसका ध्यान हटता नहीं है और जो बहुत ही इनोसेंट बंदा है उसको कुल्हड़ बुलाते हैं, लेकिन हीरोइन उसका जस्टिफिकेशन देती है कि ये कुल्हड़ हो सकता है लेकिन ये मेरा प्यारा कुल्हड़ है, आई लव हिम। सो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो इनर मीनिंग है मूवी में, ऐसा एक कुल्हड़ जैसा व्यक्ति अगर इसके सामने एक चैलेंज आ गया तो वो कुल्हड़ ही रहेगा, नहीं तो ये चैलेंज को फेस करेगा, और क्या कैसा होगा इसके साथ, जो हीरो के टोटली डिपेंडेंट एक स्टोरी है ये मूवी। सो गुलशन ग्रोवर जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुकेश खन्ना जी एक देशभक्ति सॉन्ग के लिए स्पेशल अपीयरेंस है उनका, और देशभक्ति सॉन्ग आजकल में उनको कहाँ मिल रहा है, और ये सॉन्ग डेफिनेटली आप जब सुनोगे तो आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। बोलो